दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। बिग बॉस कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे का MMS हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल हो रहे MMS में शिल्पा की तरह दिखने वाली एक लड़की किसी शख्स के साथ कोजी होती नजर आ रही है। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक अब इस MMS की सच्चाई सामने आ गई है। शिल्पा के फ्रेंड ने बताया है कि वह पूरी तरह से फेब्रिकेटेड इमेज है जिसमें शिल्पा की हमशक्ल लड़की नजर आ रही है। उन्होंने कहा वैसे भी आजकल फोटोशॉप्ड और मॉर्फ्ड फोटो सोशल मीडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। शिल्पा के फ्रेंड के मुताबिक बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट की घर के बाहर काफी फैन फॉलोइंग है। इन ही में से कुछ फैंस दूसरे कंटेस्टेंट की इमेज खराब करने के लिए ऐसा करते हैं। शिल्पा का यह फेब्रिकेटेड MMS भी इसी तरह के किसी शख्स की कारगुजारी है जो उसकी इमेज को धूमिल कर उसे शो से बाहर कराना चाहता है। वायरल हो रहे MMS की फोटो में शिल्पा शिंदे की तरह दिखने वाली एक लड़की किसी शख्स के साथ बेड पर लेटी नजर आ रही है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि बिन मेकअप के दिख रही ये लड़की शिल्पा शिंदे है, लेकिन अब शिल्पा के फ्रेंड ने इसे मॉर्फ्ड फोटो बताया है। खुद शिल्पा ने कहा था कि जो लड़की मेरी तरह दिखती है वो कोई हिंदी पोर्न एक्ट्रेस है जो बिना मेकअप मेरी तरह लग रही है। विकास गुप्ता के मुताबिक शिल्पा ने आरोप लगाया है कि ये MMS मैंने तब बनवाया जब शिल्पा भाभी जी घर पर हैं से बाहर हो गई थी। हालांकि शिल्पा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है भाभी जी के मेकर्स ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यह MMS बनवाया हो। बता दें कि भाभी जी घर पर हैं कि टीम से झगड़े के बाद शिल्पा ने ये शो छोड़ दिया था। विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच झगड़ा बिग बॉस में आने से पहले से ही है, लेकिन हाल ही में वीकेंड का वार में विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बीच शिल्पा शिंदे बीच में पार्थ समाथान का नाम लेकर कूद पड़ी। पार्थ समाथान का नाम सुनते ही विकास गुप्ता भड़क गए और उन्होंने शिल्पा शिंदे को धमकी दे डाली कि वो उनका राज सभी को बता देंगे। बता दें कि विकास तब खूब चर्चा में रहे थे जब यह है आशिकी और प्यार तूने क्या किया जैसे सीरियल्स के एक टर पार्थ समाथान के साथ उनके गे रिलेशनशिप की बात सामने आई थी। पार्थ विकास पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा चुके हैं। कहा जा रहा है कि विकास गुप्ता शिल्पा शिंदे के जिस राज को उगलने की बात कर रहे थे वो शिल्पा की शादी से जुड़ा है। दरअसल शिल्पा शादी पहले अपने को स्टार रोमित राज के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों की शादी होने वाली थी, सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन एन मौके पर रोमित राज और शिल्पा शिंदे का रिश्ता टूट गया और वो शादी नहीं हो पाई। जहां रोमित अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए वहीं शिल्पा अब भी सिंगल ही हैं। इन दिनों शो में शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के बीच छिड़ी जंग ने बिग बॉस में काफी उथल पुथल मचा रखी है। शिल्पा हाल ही में हुए लग्जरी बजट टास्क में मिली विकास से हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वे उन्हें तंग करने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया तरीका ले आती हैं। पिछले दिनों में विकास कंटेस टेंट शिल्पा की हरकतों से परेशान होकर घर से भागने की कोशिश कर चुके हैं। इस बार फिर उन्होंने यही काम दोहराया। विकास गुप्ता शो में शिल्पा से इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने बिग बॉस को शो छोड़ने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपए पेनल्टी भरने की बात तक कह दी है। वैसे विकास ने कई बार बिग बॉस के नियमों को तोड़ने की कोशिश की है। बिग बॉस के मना करने के बावजूद वे बार बार कालकोठरी से बाहर आए हैं। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने एशिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, शिल्पा और विकास कभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों ने टीवी शो भाभी जी घर पर हैं 2015 के दौरान एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि ये बात इन्होंने सबसे छुपाकर रखी थी। गहना ने कहा, विकास और शिल्पा काफी क्लोज थे। एक टाइम था जब ये एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थे और विकास को ही शिल्पा शो से बाहर निकाले जाने की वजह भी मानती हैं। दरअसल विकास को अपनी जॉब ज्यादा प्यारी थी और वे रिलेशनशिप को सिर्फ फिजिकल एंगल से देखते थे, लेकिन शिल्पा उनसे इमोशनली अटैच हो गई थी। इसी से दोनों का रिश्ता एक टाइम के बाद टूट गया। बाद में शिल्पा की जब चैनल के साथ लड़ाई हुई तो उन्हें लगा कि विकास साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे चैनल की तरफ जाकर खड़े हो गए। गहना ने आगे कहा, चैनल कलर्स और प्रोडक्शन हाउस एंडमोल शिल्पा और विकास के फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। यही वजह है कि दोनों को एक ही सीजन में बुलाया गया।